वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, रब्बे इन्नी मकलूबन फन तासीर। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ यूज़ करके, तो मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, उस चीज़ के इस्तेमाल से आपके ये पकोड़े देखिएगा कितने अच्छे बनेंगे, कितने क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले मैंने आलू काट लिए, फिर मैंने बंद गोभी डाली है, उसके बाद मैंने हरा धनिया काट के डाला है और हरा प्याज डाला है, फिर प्याज डाला है और इस तरह से ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। ये मैंने पालक डाल दिया इसके अंदर और ये सारे मसाले हैं, ये सुरख मिर्च पाउडर, नमक और पकौड़ों में हल्दी ज़रूर डाला कीजिए। इससे एक तो कलर बहुत अच्छा है पकौड़ों का आता है, दूसरा फिर हमने आलू इस्तेमाल किए होते हैं ना, तो उनके जो होते हैं असरात वो उसको थोड़ा कम करने के लिए हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है, वो ज़रूर डाला कीजिए। ये मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। और ये है वो मैजिकल आइटम जो मैं यूज़ करती हूँ, आप भी पकौड़ों में यूज़ कीजिएगा तो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये मैंने गंदम का आटा लिया है, 2 चम्मच मैंने वो डाले हैं, यानी जितना आप बेसन डालेंगे ना उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में आप ये 3-4 चम्मच अगर आपने डाले हैं बेसन के, तो आप 1.5 चम्मच जो है वो गंदम का आटा डालें, तो इससे देखिएगा कि आपके पकौड़ों की जो क्रिस्पीनेस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो दूसरी चीज़ है मैं जो यूज़ करती हूँ पकौड़ों के लिए, ये मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, मैं दूसरा तेल इस्तेमाल नहीं करती। सरसों के तेल में पकोड़े फ्राई करने से एक तो उनके जो फैट है उसके लेवल है वो भी कम हो जाता है, और दूसरा ये देखिए ये पकोड़ों का रंग देखें, एक तो ये हल्दी की वजह से है और जो दूसरा सरसों के तेल का जो एक रेडनेस होती है वो जो पकोड़ों में आती है ना, तो इसकी क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब आज इफ्तार मेन्यू का जो मैं तीसरी चीज़ यूज़ बना रही हूँ, वो आज का जो मेरा पूरा एक टॉपिक है वो इफ्तार मेन्यू है। मैंने इफ्तार की तैयारी की थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैं दही भल्ले बना रही हूँ, ये भी मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ, मतलब खीरे डाल के, बंद गोभी डाल के, इस तरह से सारी चीज़ें डाल के जब हम दही भल्ले बनाते हैं, एक तो उनका जो ग़ज़ाइयत का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा उनका जो टेस्ट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैंने भलियाँ भिगो के रख ली थी वो डाली, आलू बॉयल करके काट के रख लिए थे वो डाले, फिर प्याज डाला है, फिर टमाटर डाला है और ये बंद गोभी है ये मैंने डाली है। और ये देखिए ये मैं खीरे काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैंने कितनी कटोरी भर के खीरे काट के तो रखे हुए हैं, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। सब्जियां डालने से बहुत अच्छा है, आप ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने गरम मसाला डाला, ये तो जाहिर है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालेंगे, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें। ये मैंने पापड़ियाँ बना के रखी हुई हैं तो मैंने वो डाली हैं इसके अंदर, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारे रमज़ान मेन्यू का एक बहुत अहम पार्ट होता है, हम ज़रूर बनाते हैं, जाहिर है ये हर घर में बनता है, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन बनता है, कभी वीक में 2 दफ़ा बन जाता है किसी घर में, तो ये रोज़ के रोज़ बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितने थिक और कितनी अच्छी शक्ल सूरत इनकी बन के सामने आई है। अब मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी, अमरूद और मैंने जो केले वो पहले से काट के रखे हुए हैं, ये मैंने सेब काटे थे वो मैंने डाले। ये कटिंग का सारा प्रोसेस तो जाहिर है मैंने पहले करके रख लिया था, ये क्या दिखाना। ये मैंने चने बॉयल करके एक ही दफ़ा रख लिए थे, फ्रीज़ कर लिए थे, अब जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक मैं निकाल लेती हूँ। और ये मैं लेमन उसके ऊपर डालूँगी, स्क्वीज़ करूँगी। इसके अंदर मैं ऑरेंज जूस भी डाला करती हूँ, ऑरेंज जूस भी मैं डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने वो नहीं डाला, वो जब मैं इस्तेमाल फिर हम खाने लगते हैं तो उस वक्त फिर मैं उसके अंदर थोड़ा सा वो ऐड कर देती होती हूँ। चीनी डाली है, गरम मसाला चाट मसाला पाउडर डाला है और अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे। ये हर एक के अपना अपना तरीका होता है, कोई किस चीज़ वही होती है लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ या थोड़े से चेंज के साथ, किसी का कोई तरीका होता है, किसी का कोई तरीका होता है, तो फिर हम इसको चीज़ बन जाती है। ये हमारा इफ्तार टेबल है मेरा, ये मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर शुरू में ही एक ऐसे बेडशीट का एक कपड़ा था मेरे पास, वो मैंने बिछा लिया था। ये मेरे मिरर वाला बेडशीट है, तो बच्चे जाहिर होते हैं फिर कैचअप कभी कर जाता है कभी कुछ, तो मैंने ये इसके ऊपर ही एक दफ़ा ये चीज़ें कपड़ा बिछा लिया डाइनिंग टेबल के ऊपर। अब हम इसी को ही साफ़ कर लेती हूँ और इस तरह से मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है इस तरह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं। ये मैंने अपना डाइनिंग टेबल जो है इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। अब देखिए मैं आपको प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ कि सबको आगे बढ़ बढ़ के एक एक प्लेट में से पकोड़े नहीं उठाने पड़ते या कुछ इस तरह से नहीं करना पड़ता, मैं घर के जितने मेंबर्स हैं मैं उनकी सबकी इस तरह से एक प्लेट तैयार करती हूँ।
देखिए मैंने फ्रूट भी रख दिया है, मैंने वो खजूरें भी रख दी हैं, इस तरह से पकोड़े रख दूंगी मैं। ये हमारे मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सुन सबके ऐसे एक एक जो जो जिस जिस दिन का जो जो आइटम होता है उनके सबके इस तरह से एक प्लेट तैयार करती हूँ। ये मैंने अब फ्रूट चाट भी डाल दी है, दही भल्ले डाल दिए हैं। ये एक बंदे के चेयर के आगे एक इस तरह से उसका ये ऐसे पड़ा होगा ताकि आगे बढ़ बढ़ के टाइम पे उनको आगे बढ़ बढ़ के चीज़ ना लेनी पड़े और ना ही वो डिस्टर्ब हो और ना ही पकड़ा बार बार पकड़ाने से आप डिस्टर्ब हों। सो आप टाइम से पहले ही आप इस तरह से उनकी चेयर के आगे ऐसे तैयार कर दिया कीजिएगा। ये आपके लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा और बच्चे भी बहुत आसानी के साथ अपनी अपनी प्लेट को ऐसे तो मैनर्स के साथ ख़त्म करेंगे और दूसरा वो बहुत ईजीली और खुश होकर अपनी अपनी चीज़ को और अपनी उन्हें पता होगा अपनी अपनी प्लेट खाली करनी है सो वो ऐसे कर लेंगे। टैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।